हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषभ अरोड़ा। आज मैं आपके लिए एक बिल्डर फ्लोर लेकर आया हूँ जो कि है विजय पार्क लोकेशन में देहरादून की। जिन लोगों को नहीं पता लोकेशन के बारे में, अगर वो सर्च करेंगे ONGC ब्लड बैंक, उसी के लैंडमार्क के पास है ये लोकेशन। सोसाइटी है, रेजिडेंशियल एरिया है पूरा। मैं आपको बाहर का एक व्यू दूँगा ज़रूर। रेजिडेंशियल एरिया है, बाहर 30 फीट की सड़क मिल जाती है आपको। आसपास बहुत बसावट है, बहुत घर बने हुए हैं। उसी के बीच में ये एक बिल्डर फ्लोर है। 4 यूनिट अवेलेबल हैं अभी आपके पास। नीचे आपको स्ट्रीट पार्किंग मिल जाएगी विद अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर टैंक मिल जाएगा आपको अंडरग्राउंड। साथ में उसी के साथ आपको कैमराज मिल जाएंगे लगे हुए पूरी अंदर, पूरी बिल्डिंग में, नीचे पार्किंग में, हर एक फ्लोर में लगा हुए हैं कैमराज, ठीक है। 1650 स्क्वायर फीट का इसका एरिया रहेगा। मैं आपको फटाफट वॉक अराउंड दूंगा ज़रूर, अपार्टमेंट दिखता कैसा है आप वो देखिए, मुझे बताइए। और हाँ, प्राइस भी मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, सो दैट आप मुझसे पूछें ना बाद में, या कॉल करके ना पूछें कि प्राइस क्या है। प्राइस इसका ये है, 1,15 का इसका आस्किंग है, जो कि है आपका फुली फर्निश्ड का, जो कि मैं आपको व्यू देने वाला हूँ। ये पूरी फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है, सब कुछ लग के मिलेगा साथ में, राइट। और जो सेमी फर्निश्ड, उसमें सिर्फ फर्नीचर हट जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो उसका आस्किंग है 1,10 का, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ ये विज़िट करना चाहिए, तो नंबर दिया गया है ऊपर, आके एक बार देख लीजिएगा। बाकी आपको मैं ओवरव्यू क्विक वॉक अराउंड दे देता हूँ, बाद में देखता कैसा है। एंड हाँ, लास्ट में मैं आपको नीचे का स्ट्रीट पार्किंग का एरिया भी दिखाऊंगा, तो जिनको एरिया देखना है स्ट्रीट पार्किंग का, वो थोड़ा बाहर की रोड कैसी है वो देख सकते हैं। ये आपका यहाँ से वॉकिंग आ जाता है। ये पहला अपार्टमेंट आपका ये है। लिफ्ट यहाँ लगी हुई है, ओटिस की लिफ्ट है, 4 पैसेंजर लिफ्ट है। एक फ्लोर पे एक अपार्टमेंट मिलेगा आपको। एंड ये आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक का ये रहा बटन, साथ में आपका डिजिट्स के लिए अनलॉक के लिए ये रहा, अगर आपको पिन कोड लगा के एंट्री करनी है। गेट का साइज़ काफ़ी अच्छा दिया गया है। एंड व्हेन यू एंटर, जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको पहले ही आपका लिविंग एरिया देखेगा मैसिव सा, साथ में आपको आपका डाइनिंग एरिया देखेगा। आप लेफ्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका सुंदर सा वैनिटी एरिया ज़रूर दिखेगा, ठीक है। वॉश बेसिन एरिया ये हो गया, एंड पाउडर रूम आपका ये हो गया। पाउडर रूम भी मैं फटाफट लगे हाथ आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पाउडर रूम हो गया है, एंड ये रहा आपका क्विक लुक एक पाउडर रूम पे अपने, ठीक है। बेसिक सा पाउडर रूम है, डिसेंट टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है। पीछे जाएंगे तो आपको आपका लिविंग एरिया दिख जाएगा, फॉल सीलिंग का वर्क किया गया है, लाइटिंग बहुत अच्छी लगाई गई है अपार्टमेंट में, हर जगह LED लाइटिंग्स लगी हुई हैं। राइट में देखेंगे तो आपको आपका किचन ये रहा। किचन से पहले आपको छोटा सा आपका ये मंदिर एरिया दिखेगा, ठीक है। एंड एक बात बता दूँ, जो दिख रहा है अपार्टमेंट में वही मिलेगा, ठीक है, अगर आप फुली फर्निश लेते हैं तो। आपको राइट में आपके किचन दिख जाएगी, जो मॉड्यूलर किचन है आपकी, ठीक है। साथ में ही आपको आपका स्टोरेज एरिया भी दिख जाएगा, आपके सारे मसाले के लिए या जो भी आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना है वो आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर साथ ही साथ एक सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉर्स भी मिल जाएंगे। अ लॉट ऑफ स्टोरेज एरिया हेयर, ठीक है। हैवल्स का आपको ये फिल्टर लगा हुआ मिलेगा, वाटर फिल्टर, एंड स्टोरेज एरिया लगा हुआ मिलेगा। हैंडवेयर की आपको यहाँ पे चिमनी लगी हुई मिल जाएगी। साथ ही साथ जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं वैनिटी एरिया में भी, वो आपकी जैगुआर की फिटिंग्स के साथ मिलेंगी। यस, तो ये आपने सारा एरिया देख लिया है। अब दिस इज़ दी लिविंग एरिया। ये आपका हो जाएगा TV कैबिनेट। यहाँ पे TV लगाइए, यहाँ पे चिल करिए, और यहाँ पे अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, जो खाना है वो खाइए, ठीक है। ऊपर आप लाइटिंग्स देख सकते हैं, फॉल सीलिंग का वर्क काफ़ी अच्छा किया गया है हर जगह, ठीक है। दिस इज़ अ फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में दिक्कत ये लगी मुझे कि वेंटिलेशन कहीं नहीं है, धूप कहीं नहीं आएगी, आपको पहले ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। TV कैबिनेट ये रहा। आपको वार्डरोब स्पेस ये रहा, वार्डरोब का स्पेस मिल जाएगा आपको, थोड़ा सामान पड़ा हुआ है उधर, बट यस। यहाँ पे आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल जाएगा। वॉशरूम आपको टोटल 3 मिलेंगे, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम मिल जाएंगे। तो ये आपका वॉशरूम अटैच्ड मिल जाएगा आपको आपके पहले बेडरूम के साथ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज एरिया मान लीजिए, या जिसको जो बनवाना है वो बनवा दीजिए। काफ़ी लोग इसको वॉक इन वार्डरोब भी बनवा सकते हैं, काफ़ी लोग इसको स्टोरेज एरिया की तरह ही कंसिडर कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला बेडरूम। बेडरूम के साइजेस मुझे डिसेंट लगे, काफ़ी डिसेंट साइजेस हैं इसके, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस छूटा हुआ है, डिसेंट साइज़। लिविंग रूम का साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है,
ठीक है। और ये मुझे एरिया काफ़ी अच्छा लगा है, डिफरेंट अप्रोच है, थोड़ा डायगनल अप्रोच है ये एक लेआउट बनाने का, विच इज़ मुझे अच्छा लगा देखकर, यूनिक है, मतलब आजकल देखने को मिलता नहीं है। ये आपका दूसरा बेडरूम हो जाएगा, इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी विंडोज़ मिल जाएंगी एंड आपको बाहर एक बड़ी बैल्कनी मिल जाएगी, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया है तो ये आप देख सकते हैं पूरा, आपको कम से कम लाइट और सनलाइट अंदर आएगी, उस चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वार्डरोब स्पेस ये रहा, ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क भी किया गया है एंड दैट इज़ योर टीवी वॉल। मैं आप बाहर लेके चलता हूँ आपको, ये आपका बाहर का एरिया है, कुछ ऐसा दिखेगा, रेजिडेंशियल एरिया है पूरा, एक पूरी चौड़ी बैल्कनी मिल जाएगी आपको, ये आपको एरिया मिल जाएगा इधर आपके यूटिलिटी एरिया। सो ये आपका एरिया हो जाता है यूटिलिटी एरिया यहाँ पर, एंड ये आपको बैल्कनी मिल जाती है। नीचे जो सड़क दिख रही है 30 फीट से ज़्यादा की सड़क है, ठीक है, आगे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ा गया है और नीचे आपको पार्किंग मिल जाएगी जो कि वीडियो के एंड में भी दिखा दूंगा। पूरा ये डेड एंड है यहाँ पर, ठीक है, तो रनिंग ट्रैफिक भी नहीं, नीचे एम्पल ऑफ पार्किंग भी मिल जाएगी आपको। ये आपका हो जाता है, आपने सेकंड बेडरूम जरूर देख लिया है, अब आपको थर्ड बेडरूम की बारी है जो मास्टर बेडरूम है, आपका घुसते ही आप स्पेस दे सकते हैं मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम में काफ़ी स्पेस दिया गया है, अगेन टीवी कैबिनेट, आपका बेडरूम बेड यहाँ आ गया, यहाँ पे आपका थोड़ा लाइट के लिए विंडोज़ आ गई हैं, बट इसका ये जो मास्टर बेडरूम है दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो आपको वॉक इन वार्डरूम मिल जाता है, साथ में आपको ऐसे ब्लैक थोड़ा थीम्ड आपको मिल जाता है आपका वॉशरूम, ठीक है, जो कि काफ़ी डिसेंट अच्छा बनाया हुआ है, मुझे अच्छा लगा देखकर। पर यहाँ पे मेजरली मुझे चीज़ पसंद आई, थोड़ी लाइट अच्छी अंदर आ रही है और थोड़ा खुला खुला लग रहा है ये वाला रूम। तो ये पूरा अपार्टमेंट था, आपने जैसा कि देख लिया है, ये आपका दूसरा रूम हो गया, ये थर्ड हो गया मास्टर बेडरूम जो कि है, एंड ये आपका लिविंग हो गया, एंड दैट इज़ योर फर्स्ट बेडरूम, यू कैन कंसिडर दैट दिस इज़ योर किचन। नीचे उतरेंगे सीढ़ियों से तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ओटिस का लिफ्ट, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। इंडिविजुअल अपार्टमेंट्स के लिए बेल दी गई है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, एंड ये आपका पूरा पार्किंग एरिया है, देख सकते हैं दो दो कार पार्किंग आ जाएगी सबकी, चार ही अपार्टमेंट है, बाहर भी पार्क कर सकते हैं, बहुत जगह है, डेड एंड है जैसा कि मैंने बताया। अपार्टमेंट हमने देख लिया, नंबर ऊपर आ रहा है, अगर फिर भी अच्छा लगा है, कुछ अच्छा लगा है और नेगोशिएशन चाहते हैं, सीरियस बायर हैं, नंबर पर कॉल कर देना। तो विजय पार्क लोकेशन रहेगी एंड अच्छी सोसाइटी है, शांत है सोसाइटी, शहर के बीचों बीच है, कुछ पहाड़ों वहाड़ों में नहीं है, एंड उस हिसाब से देख लेना आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।